विश्वसनीयता का प्रतीक बुढ़ामल ज्वेलर पालमपुर। जिला बिलासपुर के नगर परिषद के डियारा सेक्टर में दर्जनों स्थानीय लोगों और पूर्व नगर पार्षदों की उपस्थिति में पत्रकारों को संबोधित करते हुए सदर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक भंवर ठाकुर ने कहा कि भाजपा नेता और सदर विधानसभा क्षेत्र से विधायक सुभाष ठाकुर लोगों को गुमराह करने और विभिन्न प्रकार के झूठे झांसे व प्रलोभन देकर तोड़फोड़ की राजनीति कर रहे हैं, जिसे बिलासपुर नगर की जनता कतई तौर पर सह नहीं करेगी। उन्होंने विधायक सुभाष ठाकुर और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को चुनौती देते हुए कहा कि वे किसी भी समय सदर विधानसभा क्षेत्र में सहित सारे जिला भर में कांग्रेस पार्टी और भाजपा शासनकाल में करवाए गए विकास कार्यों के बारे में सार्वजनिक मंच से बहस करने को तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी के MLA सुभाष ठाकुर जी बड़े बड़े डींगे हाँक रहे थे कि मैंने बिलासपुर से आतंकवाद खत्म कर दिया, मैंने बिलासपुर से उग्रवाद खत्म कर दिया। अपनी भलाइकियाँ छुपाने के लिए अंट संट भाषणबाजी कर रहे थे, क्योंकि उसमें एक पार्षद ने भाजपा ज्वाइन की है, भाजपा कांग्रेस के लोगों को तोड़फोड़ करने में विश्वास करती है। जनता को फेस करना जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में वो साहस नहीं रहा, क्योंकि ये काम नहीं कर पाए यहाँ पे। तो आज जब यहाँ पे हमारे नौजवानों ने देखा कि ये सरकार, ये MLA, ये जयराम सरकार, ये केंद्र में मोदी साहब की सरकार नौजवानों को रोज़गार नहीं दे पाई, हमारी सड़कें खराब हैं, हमें पानी नहीं मिल रहा, हमारी स्वास्थ्य सुविधा हमारी ठीक नहीं है, तो हमारे नौजवानों ने आज भारतीय जनता पार्टी के स्टंट को जो उन्होंने किया, जो तोड़ फोड़ करने की कोशिश करते हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस के हमारे 14-15 नौजवानों ने जो है कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है, हम उनका स्वागत करते हैं। उज्जवल हिमाचल के लिए बिलासपुर से सुरेंद्र जम्बाल की रिपोर्ट।